अगला प्रश्न नंबर 12 है। पहला प्रश्न है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का विचार था कि एक स्वराज के माध्यम से राम राज्य को लाया जा सकता है। गांधी के इसी विचार को राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो वह समिति रही है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो संपन्न कराया जाता है, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग। भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई है? दूसरी। भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वह पीसी महालोनोविस मॉडल पर तैयार किया गया था और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास के साथ साथ उद्योगों का विकास करना था। इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर राउरकेला तथा भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तीसरी ऑप्शन ए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 है। यह योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल दैट इज गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाया जाना था। इस योजना के दौरान भारत चीन युद्ध 1962 एवं भारत पाक युद्ध 1965 लड़ा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही है। 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1965 में UTI और IDBI की स्थापना हुई। 1965 में FCI तथा कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? जनता पार्टी। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक 5 वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किया जाता है। यह अवधारणा जनता पार्टी की सरकार द टाइम 1977 और 78 द्वारा जो है लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी, यहाँ पर सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस की हरिपुर अधिवेशन जो कि 1938 रहा है उसके दौरान इसकी घोषणा की गई थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? सिकंदर लोधी। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी सीतापुर। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। मार्कंडीय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली में तप स्थली के रूप में किया गया है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम जो उल्लेख है वो वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में प्राप्त हुआ है। पुस्तिका में उल्लेख है लौर कुछ दोनों जो है गोमती नदी के किनारे राम की अश्वमेघ यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी लखनऊ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ में प्रदेश के पहले स्पोर्ट कॉलेज के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। मोदी जी ने 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं?
उत्तर प्रदेश का। तीनों जो एकदम करेक्ट है वो आपका आता है बी ऑप्शन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? अक्टूबर 1952 होगा ऑप्शन सी। ट्राइसीम एक कार्यक्रम था ग्रामीण विकास का, ऑप्शन ए। ट्राइसीम योजना का फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यह योजना 15 अगस्त 1979 को मोरारजी देसाई सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवार की युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 35 वर्ष की आय वाली युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण द्वारा उनकी अनुदान के आधार पर उनके लिए अस्थायी आय की स्रोत सृजन करने का प्रयास किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया है? जनवरी 2015। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संस्कृत संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1999 में किया गया है और यह HRD मिनिस्ट्री यानी जिसका नाम आजकल शिक्षा मंत्रालय है इसके अधीन है। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो भारतीय ग्रामीण जीवन को, ऑप्शन डी। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है: बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूर संचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। भारत निर्माण योजना भारतीय ग्रामीण जीवन विकसित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा इसमें से सही होगा? ऑप्शन डी, उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने ही तो ग्राम सड़क योजना वहां पर जो होगी वह जोड़ी जाएगी गांवों को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में जो सड़कों से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने ही तो प्रारंभ किया गया है। योजना 25 दिसंबर 2020 को शुरू की गई थी। दैट टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई योजना रही है और योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो वह मुगल बादशाह रहे अकबर, ऑप्शन बी। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति से रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला याजिद ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। इसके अनुसार अब अकबर मुसलमान नहीं रहे। अगला प्रश्न रहा है 20 कि एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, मदारी पासी। एका नामक जन आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी कर रहे थे और यह आंदोलन लखनऊ मलिहाबाद हरदोई उन्नाव फतेहपुर फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस योजना का उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों की शोषण का जो है विरोध करना। एका आंदोलन दिसंबर 1921 में जो है वो मलहेरा गांव से स्टार्ट हुआ रहा। शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? पीलीभीत, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। शारदा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत पीलीभीत जिले के बनवासा नामक स्थान से 14 किलोमीटर दूर शारदा नहर 41,400 किलोवाट की जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। इसे गंगा विद्युत क्रम से संबद्ध कर दिया गया है और यहां से पीलीभीत, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर तथा लखनऊ आदि जिलों को कृषि, उद्योग व अन्य कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? वह होगा थोरियम, ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परिवार परमाणु जो खनिज है वो है यूरेनियम। थोरियम दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है और भारत में थोरियम का अनुमानतः 4.5 लाख टन भंडार है। ये भंडार केरल के मोनोजाइट तटों पर बालू में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोनोजाइट के जमाव बिहार कर्नाटक राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। सोची वन और सोची टू को मिलान करना है, राज्य दे रखे हैं और अणुशक्ति केंद्र यहाँ पर बताना है। तो उत्तर प्रदेश का आपको याद आ गया होगा, एक ही जानते हैं नरौरा हो जाएगा। तो यदि डी का वन अगर आ रहा है आपको तो डी का अनुमान दो में दिख रहा है, इसका मतलब और इलिमिनेट आपको करना होगा। महाराष्ट्र का अगर देखोगे तो महाराष्ट्र का जो है वो है थाल, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बनेगा ए का टू हो जाएगा। कर्नाटक का अगर आप देखोगे तो कर्नाटक का कैगा होगा और राजस्थान का जो होगा रावत भाटा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसका है, दृढ़ जबरक। तो यहाँ पर थोड़ा 2001 से प्रश्न काल रहा है तो दैट टाइम रहा है, अबरक में आप देखेंगे तो इस समय जो है वो चाइना है नंबर वन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अपडेट हो लेना, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर सूची वन और सूची टू को मिलान करना है, औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं और वो प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका वो आ जाता है मेरठ वाला खेलकूद का। यदि आप सी का टू एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो दो में हो आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। चलो आगरा से देख लो, तो आगरे का अगर देखोगे तो आगरा जो है पर्यटन का हो जाएगा। कानपुर जानते हैं स्पेशली चमड़े का सामान हो गया और मुरादाबाद आपका धातु पत्र हो गया। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो ए का फोर होगा और बी का वन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक सेट के बाद 25 प्रश्न के बाद कुछ स्पेशल नोट दिए होते हैं, तो आइए यहाँ पर इनको देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनगणना 2011 से संबंधित जनघनता घनत्व के बारे में बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है 829 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी, और जबकि भारत का आप देखेंगे तो 382 है। 2001 और 11 के दौरान जनघनत्व में जो वृद्धि हुई है 139 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जो देखी गई थी वह 1981 और 91 के दौरान। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि कब देखी गई, तो 51 और 61 के मध्य रहा है, ठीक है। और सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले तीन जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो मैक्सिमम जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश का जो जिला है गाजियाबाद है और सबसे कम ललितपुर है।